हेलो गाइस, नमस्कार जुआर साथियों, केम छो। तो फिलहाल दोस्तों हूँ अत्यारे सांजना 5:30 वागे घरे छूँ अने व्लॉगिंग स्टार्ट करवा जई रह्यो छूँ। अने अत्यारे हूँ छूँ मारा घरे। तो जोईए छे आपणे आजे गाममां रहीने गामडाना लोको मळे छे, शू हालचाल छे, शू नहीं, ए तमने बतावा मांगीए छे। अने फिलहाल हमणां 5:30 वागी रह्या छे, एकदम सांजनो समय, सूर्य ढळवाई रह्यो छे, डूबी रह्यो छे। तो आवी रीते ज आजना व्लॉगमां सांजना समयमां तमने हूँ बताईश, गामना लोकोने मळाईश। तो आवी रीते विडियोमां जोड़ाई रहेजो। ने फिलहाल हूँ अत्यारे जई रह्यो छुं मारा घरेथी दूर 3 किलोमीटर दूर। तो आजे पनीरनी सब्जी बनावे छे गुटू, तो पनीर लेवा जई रह्यो छुं अने जोईश वाटे कोई मळशे तो एमनी जोड़े वातचीत करीश, ने कदाच कंई नवा जोवा मळशे, नवुं शीखवा मळशे। तो आवी रीते आजना विडियोमां जोड़ाई। कैसा है ब्रो? अच्छा है। रात गया नहीं काम पे? अभी आया। कैसा चल रहा है धंधा? कंप्लीट चल रहा है। सूरज जैसा भाव मिल रहा है कि नहीं हीरा में? नहीं है अभी, नहीं मिल रहा है। तू भी हीरा बन खसता है? हीरा में कौन से टाइप आते हैं, कितने टाइप आते हैं? इधर 3 टाइप। कौन से आते हैं? पीएल, मथड़िया, मथड़ा तड़िया। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है? तड़िया में। तो तड़िया में हीरे को कितने बार खसना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? 24। देखिए दोस्तों, ये सब लोग हैं जो हीरे के कारखाने में काम करते हैं, और उनका सपना है कि अभी हीरा खसी रहे, लेकिन आगे 2 साल बाद अच्छा परफॉर्मेंस करके सेठ बनने की इच्छा रखते हुए सब काम पे जाते हैं। तो ये तड़िया मारता है, बोलता है अच्छा तड़िया में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। कितना मिलता है एक हीरे तड़िया का भाव? एक का कितना है तड़िए का? 10 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया। तो सूरत में वधारे चलता सके? वधारे। कितना? तो जाड़ा हीरा आवे ना तो वधारे भाव। हां, छीणा हीरा आवे ना तो ओसो भाव। कोई अमुक कारखाना में छे ने जाड़ू साल तो है ने, हां, तो 15 रुपया, 10 रुपया, 17 रुपया, एवो भाव है एक हीरा ना। तो માણસ દાડા ની અંદર કમ સે કમ કેટલા રૂપિયા નું કામ કરે તમારા ખ્યાલ થી આશરે? કારીગર છે ને કોઈ અમુક બનાવે 60-70 હીરા હો બનાય ને, કેટલો ભાવ હોય તો એવો, અને અમુક કારીગર ને 35-40-50 હો બનતા હોય તો 60 હો બનતા હોય એવો હા, એટલે કારીગર પર આધાર એમ, કારીગર પર આધાર હા। તો દોસ્તો બનાવતો હોય, અમુક ઓછા સડક થી બનાવતો હોય એવું। ઓકે દોસ્તો, સાંજનું મસ્ત વાતાવરણ છે અને લોકો કામેથી આવીને આરામ કરવા આવી રીતે બેઠતા હોય છે થોડી વાર વાતચીત કરવા। તો આ લોકો કારખાને જાય છે તો એમની જોડે વાતચીત કરી, તો કહે છે કે 700-800 નું ભી દિવસે કામ કરી દે, 1000 નું, 1200 નું, 1200 નું ભી કામ કરી દે। જે આપણી બાજુના ખાસ અબણ લોકો ભી કરે ને આ ધંધો હીરાનો, મોટા ભાગે તો અબણ હોય, ભણેલાની હોય તે, તો ભણેલાની હોય એ લોકો ભી 800-900-1000 સુધી નું કામ કરે તો સારી આવડત છે, અને કમાટમાં કારખાના ચાલી રહે છે તો એમના માટે ભી અમારા ગામડાના લોકોની રોજગારી મળી રહેતી હોય છે ઘરે રહીને, તો બહુ સારું છે। તો આવી રીતે જ આજના વિડીયોમાં જોડાઈ રહેજો, બીજું જે કંઈ હશે હું તમને पनीर है ना भैया? ये हमारे महेश भाई है, तो हम कुछ भी सामान लेना है तो यहाँ मोटी टिटोड़ गांव में आना पड़ता है। कितने वाला है? 100 ग्राम है, क्या रहे 200 ग्राम है, 80 वाला दे दो। आज पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं, पनीर मिल गया है। और अभी हाल देखते हैं, अभी बहुत ही ठंडी हो रही है, ठंडी लग रही है ना? लग रही है आज, ज़्यादा ठंडी है क्योंकि अभी वेदर ठंडी का है। तो ये रही दुकान जो हम कुछ भी लेने आते हैं तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है, हमें खिटकमाट तक नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे ब्लॉग में आप बने रहे। तो हम अभी पनीर ले लिया मेरे ब्रो के साथ, अभी हम घर पे जा रहे हैं, लेकिन ठंडी ज़्यादा लग रही है ना? आजकल ज़्यादा पड़ गई गांव में ज़्यादा ठंडी लगती है, सिटी से ज़्यादा गांव में ज़्यादा रहती है ठंडी, क्योंकि यहाँ जो पियत की खेती करते हैं ना, जो लोग जो खेत में पानी लेते हैं रात को, है ना, जो जीबी वाले रात को लाइट भेजते हैं ना, इसलिए। तो आज बहुत ही अच्छा लगा ऐसे गांव की ज़िंदगी में, कभी कभी सिटी की वजह से ये गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है। आप सभी को भी पता ही होगा, जब आप छुट्टी पे घर आते होगे
तो कितना एंजॉय करते होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो देखते हैं, अभी शाम होने आई है, पूरा शाम ढल रहा है, लेकिन आगे व्लॉग कर पाते हैं कि नहीं, तो ऐसे व्लॉग में आप बने रहे। तो फिलहाल मैं अभी घर पे पहुंच गया और पनीर की सब्जी बनाएंगे। और ये हमारे खेत में से ये नीली डुंगली डुंगड़ी छे, लीलू लसन छे, भाजी छे। अरे यार, गाम में रहेवानी मजा कई अलग होय छे, शाकभाजी लीली बधी ज मळी रहती होय छे। तो हवे सांज पड़वाई छे, तो तमे ने बतावानी ट्राई करू छु हूँ, तमे आ रीते वीडियो में जोड़ाई रहेजो। आ छे आपणो घर, घरमां अंदर घुसता आपणो पीठरो, आपणो कल्चर। गुड्डू क्या कर रही हो? ये मैं पनीर लाया। क्या कर रही हो? ये मिक्सर में क्या पेस्ट बना रही हो पनीर के लिए, पनीर की सब्जी के लिए? प्रोटीन वाली सब्जी है ना आज। रोटी बनाई दीदी, बाकी है रोटी। लोड बन दियो छ। सब्सक्राइब कर, ऑडियंस को क्या बोल, मतलब बोलोगे? खाने हो तो आ जाओ। वो सब आ जाएंगे, पूरा हो जाएगा खाना। एक दिन मीटअप रखेंगे बड़ा, है ना, हमारे घर हमारे सब्सक्राइबर के लिए खाना बनाएंगे गुड्डू की ओर से। और अभी देखो मेरा बेड पे साफ करना बाकी है। लेंसिस मेरे हमेशा साथ देने वाले सपोर्टर, रिंग लाइट, और ये मेरा सेटअप, मेरा कमरा है। तो ऐसे व्लॉग में बने रहे। हमारे काकी से जे मकाई माड़े थी नीचे पाड़े थी, हमें ठेला फरे से फेड़ावा माटे। तो तुम्हें जो सको छो, दौड़ा सुकाई गया से, हमें आ दाणा ट्रैक्टर में पीलावाना ने, તો આટલી બધા ઠેલા ખરીદીને મૂકી દીધા છે, હવે ટ્રેક્ટર આવશે એટલે કાલે દાણા કાઢવાના, અને પછી પાછા ઠેલા ફરવાના, પછી મૂર્તિમાં મેળવાના, પછી દળાવવાના લોટ, પછી ખાવાનું મૂકી હતું, એટલે એટલી બધી મહેનત લાગતી હોય છે, પછી રોટલા રાંધવાના। ઓકે, હોય છે પણ રોટલા મકાઈના આવી રીતે નીચે આગ બાળીને આવી રીતે ચૂલામાં રોટલા ચડાવે છે, એટલે મકાઈના રોટલા ખાવાની મજા જ કંઈ અલગ હોય છે, તમે જોઈ શકો છો। બના ગોપાલ, તો ફિલહાલ તમે આ તુવર જોઈ શકો છો જે પાકી ગઈ છે ખેતરમાં। જે તો ઘરેનું તુવરનું શાક મસ્ત બનતું હોય છે, તમને ખબર જ છે બધાને, અને જેને વધારે થતી હોય એ લોકો બજારમાં બી વેચે છે। ને ગુડ્ડુ, ગુડ્ડુ કઈ સબ્જી આજે? પનીરની ને? પનીર મસાલા લેકે કહાં જા રહી હો? બનાને કે લીએ? ચાલ રોટી બનાને આજા, મેં થોડી રોટી બનાવું, એ ગોપાલ કો રોટી બનાને ભેજ દો, जो फ्री में खाने आ गया है। सब्जी हमारे घर आज पनीर की सब्जी खाएगा तू? आज खाएंगा ना। तो रोटी कौन बनाएगा? रोटी के भाभी बनाएंगे। भाभी बनाएगी? कोई गुड्डू बना दे चल तू। मैं तो व्लॉगिंग करने वाला हूँ, मैं तो बिजी रहता हूँ। तो फिलहाल अभी रात हो गई है आज के व्लॉग में, और ये गोपाल फाइटर है मेरे साथ। और गुड्डू अभी रात हो गई, बाहर तो व्लॉग होगा नहीं, दुकान पे सब लोग बैठे होंगे, पर वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, घर में ही रहते हैं। चलो देखते हैं, रील्स बिल्स बनाते हैं और ऐसे ही टाइम निकालते हैं। रोटी बन रही है आज शाम के लिए, और ये क्या है? इडली। यार सुबह ब्रेकफास्ट में आज इडली थी, बहुत मजा आया इडली खाने में। चटनी खलास हो गई है ना? चटनी उधर। और ये पनीर की सब्जी बनाने जा रही है गुड्डू, तेल गर्म हो रहा है हमारा। तो आज सब्जी खाने में बहुत ही मजा आने वाला है, और इडली बनाई थी सुबह। तो दोस्तों फिलहाल अभी शाम के 6:14 हो रही है, और हम ब्लॉग यहाँ से एंड करते हैं। और आप इंस्टाग्राम पे नए हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल एक अपस्टॉक करके ऐप है, उनके बारे में भी आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ वो ऐप को क्रिएट करना है, आपको अकाउंट आपका क्रिएट करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, OTP आता जाए तो आप पैसा रेफ़र कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी कम से कम 20-25 दिन के अंदर 15,000 से 16,000 रेफ़र कर लिया है दोस्तों। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ओके, ये है मेरी रियल आईडी कन्नू राठवा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में,
और अपस्टॉक की भी नीचे लिंक है, अपस्टॉक में अकाउंट बनाओ और पैसा अर्न करो। एक रेफर आप करोगे तो आपको 1200 रुपया मिलेगा। पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। ओटीपी आना चाहिए आधार कार्ड पे। ओके, ये गोपाल प्रो ने भी बना लिया है अकाउंट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जोहार, जय आदिवासी, बाय।